हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी लोंढे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथ एसेंशियल्स में। आज मैं आपको होम्योपैथिक दवाई लेने का सही तरीका बताने वाली हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का विश्वास देना चाहती हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिंस बहुत ही सेफ और सौम्य ट्रीटमेंट है। आपको प्रिस्क्राइब की गई होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको 100% फायदा दे, इसीलिए कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। हो सके तो होम्योपैथिक मेडिसिंस बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के न लें। आपको प्रिस्क्राइब की गई होम्योपैथिक मेडिसिंस किस तरह से स्टोर करनी चाहिए, इसके भी कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इन बॉटल्स में ये मेडिसिंस काफी लंबे समय तक रखी जा सकती है और इसका इस्तेमाल और लाभ भी आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो होम्योपैथिक मेडिसिंस की बॉटल्स को आपको सीधा रखना है, उनको टिल्ट ना करें ताकि उसके अंदर की जो मेडिसिंस है वो लीक ना हो। इन मेडिसिंस की बॉटल्स को आपको कूल ड्राई एरिया में स्टोर करना है। याद रखें कि मेडिसिंस को हमेशा तेज धूप से बचा के रखें क्योंकि उसकी पावर पे असर हो सकता है। मेडिसिंस को रेफ्रिजरेट भी ना करें। मेडिसिंस को तेज खुशबू वाली चीजें जैसे कि परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, बाम की बोतल, एसेंशियल ऑयल्स, इन सब से दूर रखना है। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी होम्योपैथिक मेडिसिंस काफी डेलिकेट होती है और इन तेज खुशबूदार चीजों का आपकी होम्योपैथिक मेडिसिंस के ऊपर असर पड़ सकता है और उनकी पावर कम हो सकती है। और एक बात, होम्योपैथिक मेडिसिंस को आपको कैम्फर बॉल्स और अगरबत्ती से भी दूर रखना है। आइए अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिंस खाने का सही तरीका बताती हूँ। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिंस दिन में कितनी बार लेनी है ये आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को बाकी सब ट्रीटमेंट से अलग करती है। सबसे पहली बात तो होम्योपैथिक पिल्स को आपको टच नहीं करना है। यह इसलिए जरूरी है ताकि जो पिल्स है वो कॉन्टेमिनेट ना हो और उसकी पावर पे कोई असर ना गिरे। आपको बॉटल को टैप करना है और पिल्स को बॉटल की कैप पे लेकर मुंह में डायरेक्टली डालना है। ऐसे तो होम्योपैथिक मेडिसिंस का टेस्ट मीठा होने के कारण उसका सेवन डायरेक्ट कीजिएगा, बाकी अन्य कड़वी मेडिसिंस की तरह उसे पानी के साथ न लें। हमेशा होम्योपैथिक मेडिसिंस और आपके खाने पीने के रूटीन के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आधा घंटा मुश्किल लगे तो 15 से 20 मिनट भी चल जाएंगे। होम्योपैथिक पिल्स को आपको चबा के बिल्कुल भी नहीं खाना है। इन पिल्स को जीभ के नीचे रखकर हल्के से चूसना है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पिल्स सलाइवा में डिसॉल्व होके अपना एक्शन शुरू करती है। अब आते हैं इस एपिसोड के अंतिम हिस्से में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आपको परहेज करना जरूरी है। कच्चे प्याज का आपको परहेज करना है। अगर पूर्णतः परहेज संभव ना हो तो खाने में सेवन की मात्रा कम कर दीजिए। सब्जी में पका हुआ प्याज चल जाएगा, लेकिन उसे कच्चा नहीं खाना है। कुछ लोग कच्चे लहसुन का भी सेवन करते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान आपको कच्चा लहसुन भी नहीं खाना है। कॉफी आपको अवॉइड करनी है, चाय और दूध का सेवन चल जाएगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन पूर्णतः बंद कर देना है। अगर पूरा परहेज संभव ना हो तो इसकी मात्रा कम से कम रखें ताकि मेडिसिंस के ऊपर कोई बुरा असर ना गिरे और ट्रीटमेंट की रफ्तार धीमी ना पड़े। पुदीना के फ्लेवर के टूथपेस्ट, चॉकलेट्स, च्यूइंग गम्स अपने होम्योपैथिक मेडिसिंस के ऊपर असर डाल सकते हैं, इसीलिए इनका भी परहेज जरूरी है। अंत में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बाकी अन्य ट्रीटमेंट से इसीलिए अलग है क्योंकि ये बिना साइड इफेक्ट्स काम करती है। सो बीमारी चाहे जो भी हो, टेंशन ना ले, मैंने बताई हुई बातों का ध्यान रखे और होम्योपैथी के चमत्कार
वीडियो से आपको होम्योपैथी के बारे में काफी जानकारी मिली होगी और इस जानकारी से आपको काफी लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए।